इनके पास कोई बहाना नहीं बचा। अब ये तरह तरह के बहकावे वाली बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं इनेलो वाले की चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे, अखबार से खबर लगी। चौटाला साहब और अजय सिंह जी 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकते, मगर मैं मीडिया वालों कहूंगा मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे तो दिग्विजय चुनाव नहीं लड़ेगा। और हमारा एक एक वो जो है, रुको, हमारा एक एक आदमी फिर चौटाला साहब की मदद करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम उनके सारे उन्हीं के बनाए हुए हैं, फिर हम चौटाला साहब की मदद करेंगे। मगर ये सारे के सारे क्यों कर रहे हैं मैं बताऊं, इनके पास बेचारों के पास कुछ बचा नहीं। अब ये उस वोट बैंक को कैसे रोकें, क्योंकि वो सारे के सारे हर रोज हमारी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये बात है कि नहीं है? तो ये बात कह दो कि फिर, और मेरे हिसाब से अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ते हैं तो आदित्य को भी नहीं लड़ना चाहिए, और लड़ना है फिर केवी सिंह के लड़के को भी नहीं चाहिए। उनके संघर्ष के सामने हमारी क्या हैसियत है किसी की? आप सहमत हो कि नहीं इस बात से? फिर तो उनको, तो अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड। और अगर वो नहीं लड़ेंगे तो फिर ये जो कान खजूरी बातें चल रही है ना, खुल के क्यों नहीं बोलते कि 8 तारीख को इनेलो ज्वाइन कर रहा हूं?